लो भाई, और एक चीज और पता लगी है, जैसे अपने को ये स्लिप मिलती है ना भाई, जब नॉलेज नहीं हो ना तो ऐसे ही होता है। आप पता क्या हुआ भाई, ऐसी भीड़ कोई भी मंदिर में नहीं देखी भाई, पूरे इंडिया के किसी भी मंदिर में नहीं देखी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर टू इंडिया। तो भाई टाइम हो गया 12:30 का, और भाई बेल्ट गलत लगा लिया क्योंकि चमड़े की है ना, वहाँ निकाल नहीं पड़ सकती है। हैं, बेल्ट रख देता हूँ यहीं पर। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ भाई तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कि दर्शन करके आने भाई आज। और अब देखा भाई, शुक्र आपसे बात करते करते पता तो लग गया कि जो स्लिप मेरे को रात को मिली थी उसके बगैर मेरे दर्शन नहीं होने देंगे ये बंदे, तो वो लेके जानी बड़ी अर्जेंट भाई, उसके बगैर मेरे दर्शन होने नामुमकिन थे भाई। तो एक बार गाड़ी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी अपने से 22 किलोमीटर दूर खड़ी रहेगी, और हम जाएंगे भाई बस के थ्रू। ये जो सामने बस चल रही है ना, इन बसों में जाएंगे भाई। तो गाड़ी को कर दिया यहीं पर पार्क। तो अभी जा रहे हैं भाई अपना तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन कराने के लिए। चलो भाई, आप लोगों को भी लेके चलते हैं। ये जो मंदिर है ना भाई, इसमें ये अपना वैष्णो देवी मंदिर है ना, जो नॉर्थ इंडिया में सेम उसी प्रकार से है, काफ़ी बड़ी मानता है इसकी। और इसमें ना दर्शन करने के लिए आपको टोकन लेना पड़ता है, ये फ्री पार्किंग है और फ्री पार्किंग के सामने ही टोकन है। टोकन लेने के बाद आप बाय बस या बाय कार भी जा सकते हो, और बाय चांस अगर आप सीधे निकल जाते हो टोकन नहीं लेते तो आगे भी मंदिर के पास टोकन लेने की सुविधा है, वो भी दिखा देंगे भाई आप लोगों को। शायद यहाँ से बस मिलेगी अपने को, देखते भाई बताते जो भी मिलता अपने को, जैसे ही मिलता है। तो इस बस में बैठ के भाई हम, और ये बस लेगी अपना 1 पर्सन, पर पर्सन 90 रुपये, 90 रुपीज़ की एक टिकट है। और यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर है, 1 साइड का 90 रुपये लिया इन्होंने। तो भाई कल वाला चेक पोस्ट है, और कोई अपना चाहे खाली हाथ हो और चाहे अपना सामान के साथ हो या गाड़ी के साथ हो, सभी को अपना यहाँ से निकलना होता है भाई। और हम भी यहीं से निकल जाते हैं चेकिंग होने के बाद, उसके बाद फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे भाई। सफर था भाई ये कम्प्लीटली, और अब पहुंच गए हम तिरुपति मंदिर में। मंदिर तो नहीं है, बस स्टैंड है ये ऊपर वाला तिरुमाला, जो जिस पहाड़ी पर ये है ना अपना मंदिर, तो उसका ये बस स्टैंड भाई, बस स्टॉप है। और यहाँ पहुंच गए हम, अब देखते हैं भाई अपने को कहाँ जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो भूख लग रही भाई, वो खा लेते हैं क्योंकि वैसे कुछ नहीं खाया, दोपहर का 1 बज चुका भाई टाइम, तो सबसे पहले वही खा लेते हैं भाई। और फिर दर्शन तो वैसे भी 8 बजे होंगे भाई, लाइन कोई फ़ायदा ही नहीं है, 5 बजे के आसपास लाइन में लगेंगे, 5-6 बजे के आसपास तब दर्शन होंगे, अभी कोई फ़ायदा नहीं दर्शन का। अभी तो बस यहाँ घूमो मंदिर के आसपास, तो वही इसलिए जल्दी आ गए भाई 1 बजे, 5 बजे से कहना था लेकिन आ गए 1 बजे, कि यहाँ घूमते फिरते रहेंगे। अभी बोलिए दाल चावल बोले तो 1 प्लेट कम्प्लीटली। तो खाना वाकई में टेस्टी है भाई, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे भी ऐसे ही खाना खाया जाता है। मेरे सामने ये सांभर और रस्सा भी टेस्ट दिया भाई, ला के कि जो आपको लेना हो वो ले लेना। तो चलो अब मंदिर साइड चलते हैं भाई, अब होगी पेट पूजा। 2-3 तथ्य बताए गए भाई इस मंदिर के बारे में एक तो ये बताया गया है कि भाई यहाँ पे ना बाल उतरवाने से ना माता लक्ष्मी की कृपा होती है, और जो आपके दुख दर्द है ना, जो भी कष्ट है, वो सारे उतर जाते हैं यहाँ पर। और दूसरी यहाँ पर भाई मैं भी मानता था कि यहाँ पर ना बालाजी की मूर्ति होगी, पीछे बालाजी लिखा हुआ है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप श्री वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन करने को मिलते हैं भाई आपने।
अभी ये ऊपर इतना बड़ा एरिया है ना, इतना ज्यादा नीचे जंगल था ना आने में, उससे ज्यादा तो बड़ा यहाँ ऊपर एरिया है यार। और चारों तरफ देखो कितनी भीड़ है, यहाँ देखो, इधर देखो, और सामने देखो, बहुत ज्यादा भीड़ है यार यहाँ तो। और अभी ये नहीं पता यार कि मंदिर किस साइड में। और ये देखो भाई इधर भी बंदे कितने, अरे भाई ये इतने बंदे सोने लग रहे हैं। अभी दर्शन करा देते हैं आप लोगों को तिरुपति महाराज जी के। और अंदर तो भाई मेरे हिसाब से किसी भी हालत में अलाउड नहीं होगा कैमरा, तो यहाँ से दर्शन कर लो भाई। और भाई बंदे क्या भीड़ आई हुई है भाई, क्या भगत आए हुए हैं। हेलो भाई, और एक चीज और पता लगी है, जैसे अपने को ये स्लिप मिलती है ना, अपना टोकन जिसे बोलते हैं, तो इस टोकन से अपने को बस स्टैंड पे मतलब खड़ा रहना पड़ेगा और वहाँ से अपनी एंट्री स्टार्ट होगी, जो कि 8 पीएम का मेरे को टोकन मिला ना, तो 8 पीएम पे ही मेरी एंट्री स्टार्ट होगी भाई। तो मैं यहाँ मंदिर के पास घूम रहा भाई सबका, और मेरे को पता लगा कि वहाँ से एंट्री होगी यार, वो काफ़ी दूर है, तो वहाँ वापस जा रहे हैं भाई फिलहाल, और एंट्री करके वहाँ से देखते हैं भाई। अभी तो टाइम काफ़ी है भाई, मंदिर कुछ इस प्रकार से है, और कहाँ कहाँ से घूम के आ रहे बंदे, ये देखो भाई। लवी एक स्पेशल एंट्री दर्शन जो है 300 रुपये की स्कीम और पता लगी है, तो वो लेके फिर करते भाई, क्योंकि अभी टाइम 4 बजे का हुआ है, 8 बजे तक तो शायद मैं वापस गाड़ी के पास जा सकूंगा। तो भाई ट्रस्ट में ही जा रहे हैं, कोई ये भी नहीं है कि 300 रुपये कहीं और जा रहे हैं, दर्शन भी जल्दी हो जाते हैं, ट्रस्ट में भी जा रहे हैं भाई, तो अपना 300 रुपये की एंट्री करवा के और पुण्य भागी बनते हैं भाई है। लेकिन ये देखो भाई पुतम 300 रुपये कटेंगे कहाँ, लेकिन ये नहीं पता मेरे को, पीछे चलना पड़ेगा शायद भाई। ट्रस्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, मैं पैदल चल चल के थक गया भाई, लेकिन इतनी बड़ी ट्रस्ट है ना ये, मतलब मैं मेरे को लगा भाई ये अपना वैष्णो देवी से भी बड़ी ट्रस्ट है, और ऐसे ही पहाड़ पर है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट पहाड़ है, बिल्कुल खड़ा भाई। जब नॉलेज नहीं हो ना तो ऐसे ही होता है। आप पता क्या हुआ, मैं सोचा 300 रुपये की टिकट कटवा के और एंट्री कर लूँगा यार, 2 महीने पहले बुक करनी पड़ती है भाई ऑनलाइन, वो भी ठीक है तब दर्शन होते हैं, और फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। और वो बोल रहे हैं कि 8 बजे है ना, तो आपकी एंट्री 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो ये रीज़न है भाई थोड़ा सा। तो बाकी लाइव चला हुआ है नीचे, मैं नीचे बैठा था ना, तो ये लाइव चला हुआ था यार, लेकिन राइट ना आ जाए कहीं, इसको कम ही दिखाते हैं। चलो फ्रूट्स खाते हैं यार कुछ ना कुछ, अभी 7 बजने में भाई 3 घंटे बाकी है। यहाँ पे ना सर्कल भी काफ़ी टाइप के हैं, अभी मेरा जो सर्कल है ना भाई, और मंदिर से मैं करीबन करीबन 125 किलोमीटर दूर आ गया भाई, पैदल चलते चलते पैर और दुखने लग गए यार, क्योंकि पूरे दिन के ना, कल पूरी रात के खड़े थे, दिन में कुछ खास सो पाए ना, और आज पूरी रात पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, तो देखते भाई किस टाइम तक और सर्कल मिलता अपने को अपना भाई। बहुत लंबा यार, बहुत लंबा लंबा, ठीक है चलो, ये शुक्र भीड़ नहीं है भाई। पीछे एक बंदा बता रहा था कि शुक्र मनाओ ये भीड़ नहीं है, ये इसको अगर आप भीड़ बोल रहे हो तो भीड़ नहीं है, पूरा ये जो फुटपाथ है ना, ये जो पैदल चलने का कंप्लीट भर जाता है भाई, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर, तो शुक्र है भाई हैं। तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शन अपने को इस तरीके से हो रहे हैं, वो भी फ्री है थोड़े। यहाँ से स्टार्ट है भाई अपनी, ये जो लिख रखा है ना ATGH, ये
ATGH लिख रखा है ना, ये लाइन स्टार्ट होगी और अपनी स्टार्ट होगी भाई 8 बजे। ऐसा नहीं है कि हमारा 8 बजे का टाइम है और हम 5 बजे वाली एंट्री में स्टार्ट हो जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। 8 बजे ही एंट्री स्टार्ट होगी, तो 7:30 बजे एंट्री स्टार्ट होगी और 8 बजे वाले बंदे 7:30 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से भी करीबन करीबन दूरी होगी 1 किलोमीटर प्लस की दूरी है भाई यहाँ से। और भाई काफ़ी सारी लेडीज है ना जो वो मतलब मुंडन करा के बैठी है भाई, है मानता है ये है। और उधर देखो भाई एक घंटा और क्रॉस हो गया भाई, 5 बज गए, 2.5 घंटे और अभी वैसे देखे तो 3 घंटे हैं, बट बता रहे कि 7:30 बजे एंट्री हो जाएगी, तो 2.5 घंटे और अभी, और सभी ऐसे ही बैठे हुए हैं। ठीक है, वो भी एक चाय और एक बिस्कुट तो ले लिया, लेकिन टाइम पास नहीं हो रहा भाई, टाइम बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा, क्योंकि 7:30 यार अभी बज गए, अभी 5:30 का टाइम हुआ, 2 घंटे अभी भी बाकी है भाई, आधे घंटे के, 1 घंटे की मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ आप लोगों को। सभी ऐसे बैठे भाई, किसी को टाइम से पहले नहीं जाने दे रहे, कोई भाईचारा नहीं, कोई यारी दोस्ती नहीं, कोई स्टाफ नहीं। स्टाफ चलेगा तो सीधा फिर भाई बर्थडे ही उसका चलेगा, पोस्ट का, ठीक है ना, बड़े मंत्री हाथ चलेगा, अदरवाइज अपना लाइन में लग के दर्शन करो भाई। सारे बंदे ऐसे ही बैठे हैं यार, जैसे जैसे रात होती जा रही है ना, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है भाई, ये देख सकते हो। और क्योंकि अभी टाइम होने वाला है, टाइम हो गया 6:20, तो अभी भी वेटिंग का ही टाइम चल रहा भाई, और देखते हैं किस टाइम तक और वेट करना पड़ेगा। सारे बंदे ऐसे ही वेट करने लग रहे भाई, भाई बड़ी बड़ी ज़बरदस्त वेटिंग चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त। देखो भाई, हमारा हिंदू समाज सुंदरता जा सकती है लेकिन धर्म से पीछे नहीं हटेंगे भाई। भाई ऐसी भीड़ कोई भी मंदिर में नहीं देखी भाई, पूरे इंडिया के किसी भी मंदिर में नहीं देखी जो तिरुपति बालाजी मंदिर में है। और ये बता रहे भाई, अभी तो ये देख लो कि मैं कल रात के 1 बजे लगा था भाई, और वेटिंग ये चल रही है भाई, क्योंकि जब तक अंदर लाइन में नहीं लगूंगा तब तक वेटिंग है। तो और अभी भी लाइन में लगने के बाद भी 5 घंटे की वेटिंग है। ये बसें फ्री है भाई यहाँ की, ये बिल्कुल फ्री बसें हैं। लो भाई भीड़ चालू होगी, भाई भीड़ चालू होगी। भाई 6:50 पर एंट्री 8 PM वालों की स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो भाई, एक लाइन अपनी ये चल रही और एक लाइन साइड से चल रही है। ये देखो, ये उधर से आई है और ये अपनी जो है ये इधर से आई है भाई, और इनके नाम भी अलग अलग है इन सर्कलों के। ये टास्क ना सबसे हार्ड है भाई, इसमें क्या होता है कि इसमें बंदा भागने की कोशिश करता है, जैसे हम भी, हमारी स्पीड देखो भाई थोड़ी तेज है और भागने की कोशिश ज़्यादा करता है, आराम से निकलता और प्लस थक जल्दी जाता है भाई, लेकिन भागना फिर भी पड़ता है। भागना ज़रूरी है, ज़रूरी क्यों है, वरना एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में इतने बंदे निकल जाते हैं आगे। ओ भाई यार, ये बंदे देखो यार कितने, मतलब ना जहाँ से चलते हुए आ रहे ना, वहाँ से और यहाँ तक सेम इसी प्रकार से सभी मतलब हॉल में लगे हुए हैं बंदे। वेटिंग रूम है भाई ये किस चीज़ का मेरे को नहीं पता, और जगह जगह पानी के सिंक भी बने हुए हैं। लो भाई हमारे भी रुकना तय है यहाँ पर भाई, फ़ोन बैग वगैरह अपना सब कुछ जमा करा के उसके बाद वहाँ से एग्जिट होगा। भीड़ देखो भाई, भीड़ देखो कितनी लगी हुई है। 1 घंटा हो गया अपने को इसी लाइन में, अभी तो बस यही सेंटर आएगी बैग बैग जमा करा सके हम।
लो भाई दर्शन हो गए कंप्लीट, और अपने जो दर्शन का टाइम था ना भाई वो अपने को हुए है। आप ये मान लो 6:50 पे मैं लाइन के अंदर लगा था और 10:30 मेरे दर्शन हुए हैं भाई, और 11 तक मेरे को फ़ोन मिला है। तो और भाई इतनी भीड़ अंदर, मतलब एक पार्ट में नहीं डिवाइड कर रखे भाई बंदे, कुछ बंदे 100-100, 200-200 बंदे अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे, और भाई बहुत भीड़ थी यार। चलो अभी कुछ खा लेते हैं भाई और गाड़ी के पास चलते हैं, क्योंकि गाड़ी सुबह से अकेली है भाई, उसको मैं नहीं चढ़ सकता। और कहाँ निकलना भाई, देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। ये बस देखो भाई, इनकी फ्री बस है भाई ये वाली, और मस्त भी लग रही है, सुंदर लग रही है भाई काफी। लो भाई ये खड़ी अपनी गाड़ी, और हम पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास वापिस। पहले चेक कर लेते भाई, और इस वीडियो करते यहीं पर समाप्त। ओके तो इस वीडियो करते यहीं पर समाप्त, और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि मैं निकला हुआ हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पर। और भाई इतनी जोर की नींद आ रही है ना कि बस सोना है। टाइम हो गया 12:30 का।